करने वाले हैं टोटल 5 बिग अपडेट्स की, जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर 1, जैसा कि आप सभी को पता है सीबीएसई आप लोगों की डेट शीट रिलीज करती है, उसी तरीके से इस बार एनटीए आप लोगों की डेट शीट को रिलीज करने वाली है, जिसके अंदर आप सभी को बता दिया जाएगा कि यार कौन से दिन किसका पेपर आप सभी को होने वाला है, चाहे वो ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन में, वो सारी चीजों के बारे में आप सभी को पता लग जाएगा। सेकंड, ये जो कंप्लीट डेट शीट आप सभी को मिलने वाली है वो लगभग 20 तारीख के आसपास आप लोगों के लिए रिलीज कर दी जाएगी। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यार नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आप सभी को पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा शिकायत करते थे कि सर उसके नंबर बढ़ गए, मेरे नंबर हो गए, और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होती थी उससे सबको गुजरना पड़ता था। तो इस बार एनटीए पूरी कोशिश में लगी हुई है कि यार आप सभी का ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है इसको बिल्कुल हटा दिया जाए। फोर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार लोकसभा जब चुनाव आप लोगों के आएंगे उस टाइम पे चीजें होंगी, लेकिन अब उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कट बता दिया है कि यार आप लोगों का जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। जो आप लोगों का टाइम है 15 से 31 का, उसके बीच में ही आप लोगों के एग्जाम्स को कंडक्ट करा दिया जाएगा। और फिफ्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, अभी तक यही लग रहा है कि 10 से ज्यादा सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, या इसके अलावा इंग्लिश जीटी की हुई, या फिर अकाउंट्स हुआ, बीएसटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इस तरीके के जो ये 10 से ज्यादा सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका चांसेस लग रहा है कि यार इस बार उनके पेपर्स हैं वो ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। तो ये सारी क्लियरिटी आप सभी को मिल जाएगी। 20 के आसपास आप सभी की जो डेट शीट है उसको रिलीज कर दिया जाएगा कि कौन सा पेपर कब होने वाला है, किस शिफ्ट में आप सभी का होगा, क्या टाइमिंग होने वाली है, वो सारी चीजों के बारे में आप सभी को आइडिया लग जाएगा। तो ये कंप्लीट आप लोगों के लिए 5 बिग अपडेट्स हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि यार आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच है उसको लॉन्च कर दिया गया है, और ये बैच कल से स्टार्ट होने वाला है। तो भैया जाइए, जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिए, ऊपर दिया गया कोड है उसको लगा के, क्योंकि यही टाइम जो बचा हुआ है 30 दिन का, लगभग 35 दिन का, तो इसको अगर आप लोग मैक्सिमाइज कर लोगे तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है। तो जाके एनरोल करिए ऊपर दिया गया कोड है उसके द्वारा, और फिर भी कोई डाउट और फिर परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।